इन लोगों ने कुकू को सेल किया है, अभी उसने कैसे सेल किया हमको वो सिखाएंगे, हम अच्छे से सीखेंगे और क्या करेंगे, थाईलैंड। यस पूजा मैडम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैडम पूजा दरबार, मेरी बात बताऊं तो जैसे कुकू जब आया, ठीक है, तो मतलब 3-4 महीने हो गए कुकू आए, लेकिन प्रमोट नहीं कर पाते थे क्योंकि अंडर एस्टिमेट था कि प्रोडक्ट नहीं जाएगी, माइंड से ऐसा सोच लिया था। लेकिन जब मुझे ना टाइटल लेना था, तो मैंने 3 महीने दिए थे, लास्ट मंथ था, मुझे डायमंड जाना है, तो मैंने डिसाइड किया था, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था उस टाइम, कोई ले नहीं थे, कोई लीडर नहीं थे, तो मुझे खुद ही करना था। तो मैंने सोचा कि आप एक प्रोडक्ट पे ट्राई करते हैं। उस टाइम हस्बैंड को बोला कि आपके कुछ अच्छे फ्रेंड्स को मिलवाओ, क्योंकि उतने कॉन्टेक्ट मेरे नहीं थे उनके साथ आते, तो मैंने बोला कि आप सुबह जाते हो वॉक करने तो बहुत सारे लोग आते हैं, तो मुझे वन टू वन मिलवाओ। तो उस टाइम मैंने शुरुआत की, मतलब वो मुझे ले गए, काफी लोग तरह हम लोग गए, करीबन मैंने उस टाइम 10 लोगों से मिली थी, उसमें डॉक्टर्स भी आ गए, उनके फ्रेंड्स भी थे, मेरी भी कुछ फ्रेंड्स थी, मैंने उनको मिले। तो वहां पे ऐसा हुआ कि उनके एक फ्रेंड है जिनके यहाँ गए थे, बहुत बड़ा घर है उनका, घर पे लोन है, बड़ा सा स्विमिंग पूल भी है, अच्छा कोस एरिया में रहते हैं, तो उनके घर पे गई थी। तो वह उनकी वाइफ थी और हस्बैंड दोनों थे घर पे थे, तो प्रोडक्ट के बारे में बताया, क्योंकि पहले मैं उनके वाइफ से मिली हुई थी, प्रोडक्ट यूज करते थे मोदी करके, लेकिन ज्वाइंट नहीं होते थे क्योंकि ऐसी कोई जरूरत नहीं थी उनको, अच्छा खासा बिजनेस था तो जरूरत नहीं थी। तो उस टाइम मोदी की प्रोडक्ट थोड़ी उन्होंने ली कि मुझे स्किन के लिए चाहिए, तो उन्होंने उस टाइम प्रोडक्ट परचेस किया। तो उस टाइम मेरे पास कुकू नहीं था, तो मेरे पास वो पैम्पलेट था, तो मैंने बनाया हुआ था वो पैम्पलेट, तो मैं वो लेके गई थी और उनको दिखाया कि ये चीज अच्छी है, और तो वो बोले कि ये क्या काम करता है, तो मैं देख के बोली कि वाटर प्योरीफायर है, मैं तो नहीं एयर प्योरीफायर है, तो क्या अच्छा ऐसा है, तो इनके फ्रेंड थे उन्होंने बोला ये लाया होंगे तो अच्छा ही होगा, कोई बात नहीं दे देना, ऐसा बोल दिया था, ऐसा कैसे मांगे दे देना। तो फिर मैंने सोचा क्या करें, तो ये बोले कोई जरूर कोई प्रॉब्लम नहीं वो दे देंगे, तो बुक करवा दे, ठीक है। तो मैंने मेरे लिस्ट पे बुक करवाया कि चलो वो नहीं लेंगे तो वैसे मुझे तो लेना ही है, मैं घर पे रख लूंगी, तो मैंने बुक करवाया। उसी दौरान दूसरे दोस्त के वहां पे गए थे हम, उन्होंने भी ऐसा बोला कोई बात नहीं कल लाके ये दे देना, अच्छी चीज है, मतलब 2 ऑर्डर मिल चुके थे, तो मैंने एक को बुक करवाया, एक बुक किया उनके घर देने गए, ठीक है। तो वो देने गए, उस टाइम मैंने बोला सर ये बोले पैसे मत मांगना, उनके फ्रेंड है ना, तो बोले पैसे तो क्या मैं दे दूंगा, तो बस उस टाइम पे पैसे नहीं मांगे, प्रोडक्ट देने गए ना जब कुकू, तब उन्होंने बोला खोल के वो रख दे अपने वो वाला रूम में रख दे, क्योंकि अच्छा घर था, तो उन्होंने बोला ये वाला रूम है ना उसमें रख दे और चालू कर दे, ठीक है वो रख दे। फिर उसके बाद वही टाइम मैंने वो ग्लोब भी दिखाया था उनको, तो वो बोले वो उस पर तू लाया था ना वो गोल गोल क्या था वो भी तो भिजवा देना, एक ये रूम पे और एक ये टेबल पे रख देना, उन्होंने ऐसा बोला कि ये दो भी पिछवा देना। तो मैंने सोचा ये पैसे की तो बात नहीं करते, ये पिछवा दो ये पिछवा दो, क्योंकि कोई बात नहीं देते वो दे देगा, क्योंकि पता है उनका बिजनेस कैसा था, वो पैसे के मामले में कैसा था पता था उनको, ऐसा कोई बात नहीं। तो वो दो ग्लोब ले गए, एंगारो ग्लोब वो देने के लिए गए, बस उस टाइम उन्होंने बोला कितना पैसा हुआ टोटल, ठीक है। तो उन्होंने उसे बोल ही दिया, क्योंकि मैं बैठी रही थी थोड़ी देर, तो समझ गए पैसे तो चाहिए उनको, तो बैठे थे ये कितने हो गए, उन्होंने बोला मैंने लिख के दिया था व्हाट्सएप में इतने पैसे लेना है, मैंने बोला इतने देना है कोई बात नहीं ले ले ले, तो मतलब वो पैसा हो गया। लेकिन जब दूसरा कुकू बुक करवाया था ना, वहां पे वो प्रॉब्लम आए, वो उनके घर पे रख के भी आए थे, लेकिन कुछ लोग उनके घर में ऐसे आए थे, मतलब उनके घर में गेस्ट आए थे, उन्होंने बहुत नेगेटिविटी फैलाई, तो उन्होंने बोला कि ये चीज हमारे काम की नहीं है, ऐसे लोग आते हैं बेच के चले जाते हैं। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, वैसे मुझे लेना था और उनका भी आईडी नहीं था, मैंने मेरा आईडी भी काटा था, कोई बात नहीं वो रिटर्न दे दो। तो वो ऐसा हुआ कि मैंने मेरे रिस्क पे लिया था और इस तरह से पैसे मेरे पास आए, लेकिन दूसरा जो था वो मेरे घर में लगा, तो मुझे लेना था तो वो लेने की जरूरत नहीं पड़ी, वो मैंने घर में चालू कर दिया और मैंने शुरू कर दिया यूज करना। तो थैंक यू। मेरा नाम चरण मेहता है और मैं एक रेफरेंस से गई थी, तो उसके घर में 2 कुकू तो था, तो वो एमबे की प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, तो मेरे को ऐसा लगा था एमबे की करते तो ये तो उसको सस्ता ही लगेगा, तो मुझसे उसे बोला गया था कि वो प्रोडक्ट नहीं लेगी वो ज्वाइंट नहीं होगी। तो मैंने उसको ग्लोब दिखाया, पहले प्यार वो उसका लड़का है ना वो परेड करने के साथ काम करते है, तो उसको ग्लोब दिखाया कि सारे रात तुम लैपटॉप पे काम करते हो तो ग्लोब ले लो, तो ग्लोब के साथ तो नहीं वो ग्लोब तो मेरे को लेना ही है, तो मैं झूठ के लो,
तो झूठ के लेने तो फिर मैंने ऐसा बोला कि एयर प्यूरिफायर ले लो, आपको तीन बेडरूम है तो दो तो था उसके घर पे दूसरी कंपनी का, तो एक एयर प्यूरिफायर ले लो अगले तो उसको आपको फ्री में मिलेगा। तो मैंने जीतू सर को बोला कि ऐसा ऐसा है दूसरे दिन आना है आपको, तो उसने बताया तो उसने ऑर्डर डलवा दिया कि नहीं अच्छा है, तो ग्लोब तो उसको फ्री में मिल गया। तो कहीं ग्लोब तो लेना है नहीं, मैं कहती हूँ एयर प्यूरिफायर ले लो, आपको तीसरे रूम में लगवाना है और उसके घर पे डोगी भी है तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उसने तुरंत ही ऑर्डर लिखवा दिया। तो पैसा का जीतू सर हम साइट में गए थे तो उसको बोल दिया था कि पेमेंट आपको डीपी ओनर को करवाना है, तो मैंने उसको बोला कि आपको लेके तो आए हैं आप पेमेंट कर दो, तो पेमेंट उसने तरफ कर दिया और ऑर्डर डलवा दिया है और इस महीने में 5 कुकू एयर प्यूरिफायर को निकालना है और बस थाईलैंड की ट्रिप होली कट में और मैं बहू दोनों को करवाना है। और उसके बारे में मैं बताती हूँ कि अगले दिन शाम को उसके पापा ने बोला, मैंने बोला एक कॉन्टेक्ट दिला दो मेरी अच्छी चीज है मेरे पास, तो वो बोले दिखा दो, तो मैंने वीडियो दिखाया तो उससे मेरा हस्बैंड ने बोला कि मैं एक फोन करती हूँ फोन करता हूँ, तो उन्होंने बोला कि मैं फोन कर, तो फोन कर दिया, तो अभी नहीं क्या आप शाम को, कल शाम को आओ, शाम को या 9 बजे आओ, तो हम 9 बजे रात को गए थे। तो इसके बारे में हम बताया हवा शुद्धता लिए और अपार्टमेंट को फोन किया कि मैं यही है आपको आना पड़ेगा, तो दूसरे दिन अपार्टमेंट को हम यहाँ वहाँ लेके गए और एक वीडियो दिखाया आपने इनको, तो सर ने बताया एक नहीं दो प्यूरिफाई उनको लेना है, एक ऑफिस के लिए और घर के लिए। तो एक ऑफिस के लिए हम रख के आए और 2 दिन पहले मेरे को फोन आया कि एक प्यूरिफायर और चाहिए मेरे को, एक ऑर्डर कर दिया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऐसे ये शुरुआत से जब मैडम ने शुरू किया टीम 25 में 2 महीने पहले, तो हेतल सर ने और पूजा मैडम ने बताया कि पूजा मैम ने 2 भेजे और हेतल सर ने बोला कि हमारे अंदर एक दीवार है उसको लांग के उस तरफ जाना है, मतलब हम सोचते इसको बता पाएंगे इसको नहीं बता पाएंगे, तो मैंने भी सोचा कि ऐसा कुछ करना तो पड़ेगा। तो वहां से ऐसे मगज में डाल के गई थी कि मुझे भी एक तो बेचना है, तो मैंने बोला किसको बेच सकते हैं, तो पहले मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड का लिस्ट बनाया। तो ऐसे तो 20 तारीख तक कुछ काम नहीं किया था, उसके बाद सोचा यार करना तो पड़ेगा अभी कैसे होगा थाईलैंड, तो सोचना शुरू किया। और इसमें क्या है 1 लाख लोगों को मिलना पड़ता है क्योंकि हाई प्रोडक्ट्स है पैसे भी लेने हैं हमें, तो मैंने 1 लाख लोगों की लिस्ट बनाई और उसमें मेरे बेस्ट फ्रेंड सबको मैंने कॉफी भी पिलाई कॉफी बार में, मैं चलो मिलते हैं, उसमें एक बंदा नहीं आया था, तो वो लोग तो ऐसे देख के कॉफी पी के चले गए, बीपी मैंने चुकाया ठीक है कोई बात नहीं चलो मिले बात किया, और वो सब प्लेटलेट्स जो बनाया था हमने उस पर बात की थी। और एक दिन एक फ्रेंड नहीं आया था, वो बिल्डर है उसके वहां में गई, तो मैंने सोचा इस बार वो पैम्पलेट लेके नहीं जाना है कुकू लेके जाना है, तो सर को फोन किया, सर ने बोला घर पे है आप लेके जाओ, मैं तुरंत उसको लेके गई वहां रख दिया और चालू कर दिया ना तो वहां रेड लाइट दिखाई दी, मैंने बोला तू तो डेंजर जोन में रहता है तो वो थोड़ा डर भी गया, मैंने बोला देखो इसकी वो ब्लू हो गई तो उसको अच्छा भी लगा, फिर ग्लोब के बारे में बताया तो वो बोलता है ठीक है, मुझे बोलता है जाड़ी बोलता है, बोलता हाँ ठीक है जाड़ी दे देना, बोले ऐसे जाड़ी कुछ देने वाली नहीं पैसे भी मेरे को देने पड़ेंगे, बोले अच्छा ऐसा भी दे दे पैसे भी दे सब कुछ। फिर ये 2 महीने से जो हम एक लवेटिंग में कुकू कुकू पर फोकस करते हैं और बहुत सारे लोग सेल भी कर रहे हैं, तो मैंने सोचा नेहा मैडम को सुना फिर तो मेरी चक्री जैसे निकल गया नहीं कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं, बस फोकस गया मुझे करना ही है। फिर मेरी 2 फ्रेंड है जो प्रोडक्ट्स को अच्छे से यूज करती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती, आराम से ऑर्डर्स भी देते हैं, आईडी है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो एक और एक के घर में है ना छोटा बच्चा बीमारी रहती है, तो मैंने बोला यार तू यूज कर जो तेरी प्रॉब्लम्स है ना वो सोल्व हो जाएगी, क्योंकि हमको पता नहीं था कैसे ये थोड़ी भी सीजन चेंज होती है ना तो हमको प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो एक मेरी फ्रेंड ने बताया कि ऐसा ऐसा है तो उसने ले लिया और दूसरी भी मेरी फ्रेंड ने आज हम उसको डिलीवरी करने जा रहे हैं, तो मुझे वो पता चला कि जब हम बता देते हैं कि कुकू के साथ ग्लोब फ्री है तो कोई ग्लोब अलग से परचेस नहीं करता, तो मैंने वो चेंज कर दिया। अभी मैं कुकू के साथ कोई ऑफर है मैं बताती ही नहीं हूँ, 19,000 का है हमको 18,000 में पड़ता है, आपको 18,000 में मिलेगा,
मैं ऐसा ही बताती हूँ, और लोग आराम से मान भी जाते हैं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं कि इसने मुझे क्या गिफ्ट पहुंचाया है। तो बस ऐसे ही मेरी फ्रेंड को बताया कि ये बहुत अच्छा है और वो फाइनेंस में बहुत ज्यादा, उसका शायद बंगलो ही 10 करोड़ का होगा। तो मैंने बोला यार इतना अच्छा प्रोडक्ट है, वो मेरे से सब कुछ लेते हैं, मैं आपके घर में जरूरत है, कोई भी नहीं, आप एक से तो ट्राई करो, फिर आपको अच्छा लगे, सेटिस्फेक्शन मिल जाए, आप यूज करो, फिर आप दूसरे 3-4 ऑर्डर देना, इतना सारा बंगला है। तो अभी ऐसे तो मैंने बोल ही दिया कि इसके बाद आपको ऑर्डर तो देना ही है। तो ठीक है, उसने दे दिया। फिर मैंने उसको ग्लोब का भी वीडियो भेजा था। सीरियसली बोलूं मैं ये लेके कभी कहीं भी जाती ही नहीं हूं ऑर्डर लेना, मैं सिर्फ वो फ्लायर हमने बनाए हैं वो फाइल लेके ही जाती हूं मैं, क्योंकि उठा के जाती हूं किसी को डेमो भी नहीं दिखाती, सच्ची में नहीं दिखाती, कोई जरूरत नहीं है इसकी, मेरा बुक मेरे घर में होता ही नहीं है। अभी मैंने मुझे लगा वो डेमो से अच्छा आप ऐसे ही दिखाओ, वो ज्यादा इफेक्टिव है। फिर मैंने उसको ग्लोब का वीडियो भी भेजा था, यार आपका बेटा भी पूरे दिन उसको बिजनेस भी है तो कंप्यूटर में रहता है, मोबाइल में रहते हैं, तो उसने मुझे 3 ग्लोब का ऑर्डर दिया। तो यार ग्लोब भी अच्छा है तो 3 ग्लोब और 1 कुकू का ऑर्डर आ गया। फिर मैंने उसको बताया यार कुकू के साथ 1 ग्लोब तुझे फ्री मिल रहा है, तो तेरा ये 4,500 बच गए। और ऐसे बस आज ही हमको डिलीवरी करनी, यहाँ से डायरेक्ट वहीं जाने वाले हैं। ऐसे ही मैंने 2 कुकू और 3 ग्लोब का ऑर्डर किया, ऐसे तो 2 ग्लोब ही बोल सकते हैं, लेकिन अगर वो ग्लोब में रिजल्ट मिल गया, मीन्स उसको इफेक्ट दिखी, तो और मुझे 15-20 ग्लोब के ऑर्डर भी मिल जाएंगे, वो भी मुझे पक्का पता है, तो थाईलैंड तो आराम से हो जाएगा। तो बस ऐसे ही मैंने कुकू और ग्लोब का ऑर्डर किया था। और ऐसे लीडर हमारे पास होना भी चाहिए, वो भी मैं बताती हूँ, नहीं है तो आप खुद भी ट्राई करो, हो सके तो परचेज कर लो। ठीक है, अभी एक नई ऑफर